हाय गुड हेल्दी मॉर्निंग, हम बात कर रहे हैं इन्फेक्शन पे, और इन्फेक्शन के लिए सर्जन को बहुत ब्लेम किया जाता है कि वो अंदर अपनी औजार जिसे कहा जाता है वो भूल जाता है पेशेंट के अंदर, और डिफरेंट कॉटन और स्वाब्स और पता नहीं क्या क्या अंदर भूल जाता है। इस पे हम बात करेंगे एक सर्जन से, चलते हैं एक रिपोर्ट के ऊपर जो कि इन्फेक्शन के ऊपर बनाई गई है। डॉक्टर साहब चल के देखते हैं, ठीक है, बेहोश कहीं में जाएगा, रिपोर्ट के बाद हम इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करेंगे। खवातीन की सेहत एक सेहतमंद मुआशरे के लिए बहुत जरूरी है। सेहत के मसाइल में सबसे आम मसला इन्फेक्शन का होना है। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर खवातीन को आम तौर पर कई तरह के इन्फेक्शन का सामना करना पड़ता है, जो कि ज्यादातर तालीम और आगाही की कमी की वजह से देखने में आते हैं। ऐसे तमाम इन्फेक्शन का जरिया बैक्टीरिया होते हैं, जो कि कई तरह से जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज्यादातर प्रेगनेंट खवातीन को मुतासर करते हैं, जो खास तौर पर तशवीश का बायस है, जो कि बाज़ औक़ात नौमौलूद बच्चों में भी मुंतकिल हो सकता है। ज्यादातर इन्फेक्शन किसी भी अलामत के बगैर होते हैं, और अगर सही इलाज ना करवाया जाए तो पेचीदगी के मसाइल का सामना करना पड़ता है। ऐसे इन्फेक्शन से बचाव के लिए जरूरी है कि सफाई का खास ख्याल रखें, और ऐसे अफराद जो इन्फेक्शन का शिकार हों या ऐसे जानवर जिनसे इन्फेक्शन का खतरा हो दूर रहा जाए। जी, सभी आपने रिपोर्ट देखी इन्फेक्शन के ऊपर, बहुत ही सिंपल सी थी, एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको उसको समझाया गया था। इन्फेक्शन की जहाँ हमने सुबह बात की थी, तो इन्फेक्शन जो अपने आप को प्रेजेंट करती हैं, वहाँ पेन होता है, फीवर होता है, ब्लड प्रेशर चेक करें तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, और मल्टीपल चीज़ों से वो बता देती हैं कि इन्फेक्शन कहीं ना कहीं हो रहा है। डॉक्टर साहबा, ये जो सर्जन्स पे इल्ज़ाम होता है कि वो अपनी चीज़ें पेशेंट के स्टमक के अंदर या टमी के अंदर या एब्डोमेन खोल के अंदर छोड़ के भूल जाते हैं, ये चीज़ कैसे, इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है? क्योंकि एक्चुअली में ऐसा कहीं नहीं है, बहुत ही रेयर सिचुएशन है। एक तो पूरी मूवी हमारे पड़ोसी मुल्क ने इस चीज़ के ऊपर बनाई थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है यूजली, क्योंकि एक ही चीज़ का काम होता है। एक्चुअली रिंग ऑपरेशन, हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। सर्जन अकेला सर्जरी नहीं कर रहा होता, उसके साथ पूरी टीम होती है, पैरामेडिक्स, और हर चीज़, हर एक का नाम लेबल होता है, ये पर्सन इस सर्जरी में इन्वॉल्व है। एट द एंड ऑफ सर्जरी, बिफोर क्लोजिंग द वुंड, हम एडवाइस करते हैं कि वो आप जितने भी गॉज यूज़ हुए हैं, गॉज का मतलब है तो वो कपड़े जो यूज़ होते हैं ब्लड रोकने के लिए, उन सबको काउंट किया जाता है। जितने एपरेटस यूज़ हुए हैं लाइक कैंची और ये तमाम चीज़ें, फर्ज करें दो यूज़ स्टार्ट में दो थीं तो वो एंड पे भी दो होनी चाहिए, तो काउंटर चेक होता है दो लैब, पहले सर्जन खुद चेक करता है, जो असिस्टेंट होते हैं वो काउंटर चेक तमाम चीज़ें चेक करते हैं, जब वो ओके कह देते हैं उसके बाद जो है वो हम क्लोज करते हैं, क्लोजिंग होती है। जी, बहुत रेयर केसेस में जब बहुत एक्सटेंसिव ब्लीडिंग हो रही हो और बहुत ज़्यादा गॉज यूज़ हुए हों, और या कहीं इंसान ह्यूमन एरर की वजह से काउंटिंग में कोई मिस्टेक हो गई हो, तो बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि कोई गॉज अंदर, क्योंकि उस वक्त ब्लीडिंग के बाद गॉज जो है ब्लड क्लॉट की शक्ल अख्तियार कर जाता है स्मॉल होके, और एट दैट टाइम इट कैन हैपन, बट इट इज़ वेरी रेयर, और उसको रोकने के लिए पूरी कोशिश होती है सर्जन एंड प्लस टीम की कि ऐसा कुछ ना हो। तो देखिए, ह्यूमन इंसानी जान की बात होती है, कोई भी जानबूझ के सर्जन या उसकी सर्जिकल टीम जो है वो ऐसा नहीं करती, डेफिनेटली नहीं करती। हाँ, लेकिन कभी रेयर केसेस में ऐसे केसेस हुए हैं जो कि फिर बाद में उसको डील भी किया जाता है। ऐसी बात नहीं है कि अगर ऐसा खुदा ना करे हो गया है तो उस पेशेंट को वैसे ही छोड़ दिया जाता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा और डेफिनेटली, तो जस्ट टू अवॉइड दिस सिचुएशन मल्टीपल स्टेजेस पे उसको चेक किया जाता है, और ताकि ये सब कुछ ना हो सके। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मुझे बताएं कि अगर ये चीज़ें अंदर रह भी जाएँ तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं करती? नहीं, ये इन्फेक्शन हो सकता है कि रहने दें, चुप करके पड़ी रहें। डिपेंड करता है कि कहाँ पर है, इंट्राएब्डोमिनल है तो इन्फेक्शन अक्सर होता है। अच्छा। अब वो ये होता है, बाज़ इस तरह प्रेजेंट करता है कि वुंड नहीं हील हो रहा, वहीं से पस चला ये महीना हो गया, डेढ़ महीना हो गया, दो महीना हो गया, जिस जगह का आपने इन्फेक्शन ऑपरेशन किया था उस वहाँ से पस डिस्चार्ज कॉन्स्टेंटली आ रहा है, एक ये साइन होता है। बाज़ का सिस्टेमिक साइन होते हैं, एब्डोमिनल पेन हो गया, डिस्चार्ज कॉन्स्टेंट है, तो प्रॉब्लम तो करता है। ऐसा भी होता है, एक्सरे में पता चलती है, एक्सरे में एंड अल्ट्रासाउंड में, अल्ट्रासाउंड एक्सरे में तो नजर नहीं आता, सीटी स्कैन एक्सरे में यूजली नजर नहीं आता, तो ये अल्ट्रासाउंड में भी समटाइम मिस हो सकता है। फिर जब डाउट हो तो हम सीटी स्कैन कर सकते हैं, उसमें बहुत क्लियरली चीज़ें पता चल जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये जो स्यूचर लगाए जाते हैं, कभी एक तो अंदर लगाए जाते हैं जो कि रिजॉर्बेबल होते हैं, बाहर लगाए जाते हैं जिनको हम काट के भी निकाल देते हैं, अब इन स्यूचर्स में भी इन्फेक्शन हो जाती है क्यों?
जी हाँ, इन सूचर्स में कुछ सूचर टाइप्स पे भी एक तो डिपेंड करता है, जैसे पहले सिल्क बहुत यूज़ होता था जिसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता था, अब जो हम प्रोलिन यूज़ करते हैं उनमें कम इन्फेक्शन होता है। दूसरा, साइट को भी क्लीन रखना चाहिए, फर्स के इन्फेक्शन जो साइट पे स्टिच लगी है उसको क्लीन नहीं किया डेली आफ्टर 48 आवर्स। अब रिसेंटली ये है कि देर इज नो नीड फॉर फर्दर ड्रेसिंग। अच्छा ठीक है, या फर्दर ड्रेसिंग की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि स्पेशली इन कराची के जैसे एनवायरमेंट है, गर्मी है, पसीना है, उससे और इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। तो बेहतर ही होता है आफ्टर 48 आवर्स इफ देर इज़ नो ब्लीडिंग, सो दैट वो जो ड्रेसिंग है उसको निकाल के करें और डेली पैटर्न से क्लीन करें, डेली बाथ लें। जितना जिस्म क्लीन रहेगा, जितना वो एरिया क्लीन रहेगा, इतनी बेहतर हीलिंग होगी। और अगर वो इन्फेक्टेड होगा, एक कॉन्सेप्ट है आम कि यूजली सर्जरी के बाद, इस बात के बावजूद कि सर्जन कहते हैं कि आप डेली नहाएं, पेशेंट के अटेंडेंट या उनके रिलेटिव ऐसी एडवाइस देते हैं कि जी आप ना नहाएं। बाद वक्त ऐसा भी होता है कि महीनों के बाद पेशेंट आए और जख्म बिल्कुल ख़राब हो गया, और जब उनसे पूछा आपने कितनी दफ़ा नहाया, नहीं नहाया, तो पता चला कि महीना हो गया नहीं नहाया, क्योंकि अम्मी खाला फूफी किसी ने मना कर दिया था कि जख्म ख़राब हो जाएगा। और फिर दूसरी बात ये कि खाना पीना बंद कर देते हैं उसका, जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। लाइक आप दूध ना पिए, आप ये ना खाएं, चावल ना खाएं, आप रोटी ना खाएं, सिर्फ सूप पे गुजारा करें, यू नो, तो एक तो इम्यूनिटी कम हो गई, दूसरे आप नहा नहीं रहे, तो वो दोनों चीज़ें मिलकर वो साइट इन्फेक्टेड हो सकती है। सही। और ये भी होता है कि आप हर तरह के हाथ उसको लगा रहे हैं, ये अपनी इन्फेक्शन साइट को, ऐसी साइट जो बेचारी भी खुली हुई है, सूचर लगे हुए हैं, प्रोन साइट है, वो बहुत प्रोन साइट है इस वक्त इन्फेक्शन कैच करने की, उसको हर तरह का हाथ लगाया जा रहा है और बार बार देखा जा रहा है ठीक हुआ नहीं हुआ, पता नहीं कैसे हाथ थे आपके, अपने हाथ धोए, स्टरलाइज है आपके हाथ नहीं है, धुले हुए भी हाथ, कोई गारंटी नहीं है कि वो स्टरलाइज हो। इसके बेहतर ये कि जो डॉक्टर ने एडवाइस किया है, बेहतर होता है कि उस पर आप उसको फॉलो करें। जब आप 10 लोगों के इर्द गिर्द का फॉलो करते हैं जो कि नॉन प्रोफेशनल हैं, तो डेफिनेटली फिर वो प्रॉब्लम तो होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे बताएं कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट से भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है? इनिशियल मूवमेंट में फ्यू डेज एक्सेसिव मूवमेंट मना करते हैं, लेकिन सेकेंड डे से नॉर्मल मूवमेंट लाइक गोइंग टू वॉशरूम, स्लाइट वॉकिंग, ये कर सकते हैं, फिर ग्रेजुअली उस पर वेट बढ़ाते जाते हैं। अच्छा, नहीं इनिशियली बहुत ज़्यादा मूव नहीं करते, ये भी होता है कि सूचर और खुल जाते हैं। इनिशियली फॉर 1 वीक एक्सेसिव मूवमेंट नहीं करते हैं, फिर ग्रेजुअली मूवमेंट बढ़ाते जाते हैं। लेकिन अगेन डिपेंड करता है ना कौन सी साइट है, ये भी पेट का हो तो मुँह है, हाथ का हो और फिर इतना यहाँ हो और ज़्यादा नहीं, तो नहीं। ये है कि जितना स्ट्रेस कितना पड़ रहा है, फर्ज के लिए बैक की स्किन ऐसी है कि जिसमें जब ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, पेट का है, एब्डोमिनल पेन, तो ये साइट पे भी डिपेंड करता है। सर्जन जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर है या ट्रीटिंग सर्जन है वो सही मशवरा दे सकता है, तो उनको चाहिए पेशेंट्स को कि उनके मशवरे पे सही अमल करें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आज हमने इन्फेक्शन को जो है मल्टीपल एस्पेक्ट से कवर किया, उसको गायनेकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यूरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस पे, स्किन पे, पोस्ट सर्जिकल, जिस जिस तरह से इन्फेक्शन हमारी बॉडी में एंटर हो सकती हैं उन पॉइंट्स पे कवर किया। लेकिन अभी और भी बहुत सारी ऐसी इन्फेक्शन है जो खाने पीने और इन सब चीज़ों से भी, हमें इन्वायरमेंट से लगती हैं, खाने पीने से लगती हैं, वो भी इन्फेक्शन की टाइप से, जैसे फूड पॉइजनिंग सबसे कॉमन आती है, ऐसी बहुत सारी इन्फेक्शन हैं। इन्फेक्शन को मतलब हम तो कहते हैं कि आधी ज़्यादा मेडिसिन इज़ ऑल अबाउट इन्फेक्शन, लेकिन हमारे प्रोग्राम का टाइम जो है वो ख़त्म हुआ जा रहा है। कल हम बात करेंगे डेंटल हाइजीन पे, और अभी जो है मैं आपको ये बताती चलूँ कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं और जो क्वेरीज हैं आप हमें ईमेल कर सकते हैं, healthymornings@health-tv.tv पे आप हमें SMS कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है, HM लिख के आप स्पेस देंगे, मैसेज टाइप करेंगे एंड 888 पे सेंड कर दें। दोबारा बता देती हूँ, HM लिख के आपने स्पेस देनी है, मैसेज टाइप करना है, 888 पे आप सेंड कर दीजिए। और प्रोग्राम में वैसे तो आप पार्टिसिपेट ऑन एंड ऑफ करते रहते हैं फ़ोन कॉल्स के जरिए, कल हम फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।